दोस्तों, पिछले कुछ दिन से मेरा फ़ैन बहुत स्लो चल रहा है, और इतना स्लो कि आप देख सकते हैं मेरे रूम का एक भी कपड़ा हिल नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं चल रहा हूँ इसको सॉर्ट आउट करने, और इसमें क्या प्रॉब्लम है इसको चेक करूँगा। और स्टूडेंट लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो चलिए मैं जुगाड़ से इसको सही करता हूँ। और इसमें कैपेसिटर जो है ख़राब हुआ है कि नहीं, 2 साल हो गया फ़ैन को, और इसके साथ साथ इसमें कितना गर्दा है ये भी मैं साफ़ करूँगा, ताकि मेरा फ़ैन फिर से पहले जैसा चल सके। यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास एक नया कैपेसिटर होना चाहिए, प्लस आपके पास एक ख़राब कपड़ा होना चाहिए जिससे पूरा फ़ैन साफ़ कर सको। और जब भी फ़ैन आप सही करने जाओ, कैपेसिटर चेंज करने जाओ, तो सबसे बड़ी सावधानी कि आप अपना फ़ैन का जो केबल है निकाल दीजिए। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, तो देखिए ये मेरा फ़ैन केबल है, और ये मैं निकाल देता हूँ और यहाँ से स्विच ऑफ़ कर देता हूँ, ताकि हमको ये परेशानी ना हो। दोस्तों, कैपेसिटर बदलते समय आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कैपेसिटर का केबल लगा है, देखिए फ़ैन बहुत हीट है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऊपर वाला एक मध्य में लगा है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप तो। यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिए एक जो येलो एक ब्लैक है, आप देखेंगे नीचे वाला खाली है, तो ऊपर से एक लगता है, एक बीच में लगता है, नीचे आप भूल के भी नहीं लगाइएगा, ठीक है। तो ये आपका देख लीजिए, मैं दिखा दिया हूँ। तो एक ऊपर लगेगा जो आपका ब्लैक है, और येलो वाला बीच में लगता है, और नीचे जो है बिजली का डायरेक्ट जो केबल आता है उसका कनेक्शन होता है। तो चलिए हम चेंज करके देखते हैं, अभी बहुत दिक्कत होने वाली है। तो दोस्तों, पहले आप फ़ैन को साफ़ कर लीजिएगा कैपेसिटर बदलने से पहले। देखिए मैं साफ़ कर रहा हूँ, कितना कचरा है, देख सकते हैं, पूरा पूरा बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है। और मेरा फ़ैन का ये जो मेन हिस्सा है ना, बेंडिंग वाला, बहुत ज़्यादा हीट है, तो ये बचा कीजिएगा, डायरेक्ट आप फैन ऑफ करके ये साफ़ नहीं कीजिएगा, हाथ जल जाएगा। तो इसे साफ से आप पोछ लीजिएगा, बहुत मोटा कचरा है इसी रूम में। मैं ये पंखा लगभग, हम जान रहे हैं, 40वां बार साफ कर रहा हूँ 2 साल में, बहुत कचरा इस रूम में है, पता नहीं कहाँ से आता है। अब मेरा बहुत ज़्यादा, तो मेरा फ़ैन का जो ब्लेड है वो साफ़ हो चुका है, देख लीजिए आप लोग। और ऊपर का जो कुप्पी, आप उसे भी साफ़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए मैं उसका कैपेसिटर जो है निकाल दिया हूँ, और ये उषा का फ़ैन था, उषा कैपेसिटर है। अब देखिए, अब जा रहा हूँ मैं इसमें लगाने जो कैपेसिटर, वो कैपेसिटर जो है आपका हवेल्स का सेम है, 2.5 2.5 का। अब देखते हैं कैसा फ़ैन चलता है, तो चलिए उसको भी बदल देते हैं। तो ये नया वाला है, दोस्तों देख रहे हैं, गर्मी से भीग गया हूँ, एक स्टूडेंट लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, संतुलन बनाना, सपोर्ट नहीं है, इसको लगाना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे होंगे आप। तो पहला के लग चुका है, देख रहे हैं कितनी प्रॉब्लम है, लगाने बहुत मशक्क़त करना पड़ रहा है। आपके भी साथ ऐसी समस्या आ सकती है, लेकिन बिना समस्या फेस किए आप कुछ कर नहीं सकते अपने लाइफ में। फिलहाल दूसरा केबल लगा रहा हूँ, लगभग लग चुका है।
थोड़ा थोड़ा केबल बाहर रहेगा क्योंकि बड़ा कट आता है, तो इससे चिंतित ना हो क्योंकि फैन मूवमेंट करेगा, वो लिकड़ेगा नहीं, पूरा कसा चुका है। तो दोस्तों एक बार और फैन को पोंछ दूं ताकि जो ऊपर से कचड़ा हो वो साफ हो सके। बहुत ज़्यादा हीट था और तो मैंने ये फैन साफ कर दिया है। अब मैं यहाँ से उतरने जा रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही मेहनत लगा है और मैं अपना कैपेसिटर बदल दिया हूँ। अब देखता हूँ ऑन करके फ़ैन, देखिए साफ कर दिया हूँ एकदम, पहले बहुत कबाड़ा था। अब ऑन करके मैं देखता हूँ यहाँ केबल लगा के चल रहा है कि नहीं, क्या रिस्पॉन्स है। तो मैं यहाँ पर अपना नेक्स्ट प्लग लगा दूँ ताकि अब देखिए मेरा फैन का स्पीड, समझ रहे हैं, कैपेसिटर मेरा ख़राब हो गया था, अब मेरा पूरा पूरा फैन पूरे स्पीड में है और पहले से बहुत ही तगड़ा चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर डन हो गया। आप भी ऐसे अपना कैपेसिटर बदल के और पंखा साफ़ करके अपने फ़ैन को फिर से नया बना सकते हैं, पहले जैसा हवा पा सकते हैं। अब देखिए मेरा बहुत पसीना हुआ था, यहाँ तक हिल रहा है, पूरा बैग भी हिल रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, केयर करके अपना फैन बनाइएगा। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, आई बेल को जरूर दबा दीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।